अनंतनाग के अशाजीपोरा से ताल्लुक रखने वाली कश्मीर की रहने वाली किवी गर्ल गौहर जबीन एमएससी की तालीम हासिल कर रही है। गौहर जबीन का नाम आज हर जुबान पे है क्योंकि गौहर जबीन ने किवी प्लांट्स की नर्सरी लगाकर न सिर्फ इज्जत का रोजगार हासिल कर रही है बल्कि वादी में किवी प्लांट्स की प्रमोशन भी कर रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो मैं अपना नाम बताऊंगी, मेरा नाम गौहर जबीन है और मैं एमएससी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट हूँ स्कॉस्ट शालीमार से। तो मैंने ये पहले से ही माइंड में सोच के रखा था बिज़नेस, क्योंकि साइड मैं एक बहुत इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, मैंने पहले से ही खुददारी पसंद की है। तो दूसरी बात ये कि मैंने सोचा अगर मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से ही हूँ तो क्यों ना मैं एग्रीकल्चर रिलेटेड ही एक बिज़नेस स्टार्ट करूँ, ताकि मैं इंडिपेंडेंट भी रहूँ और लोगों पर मतलब माँ बाप पर ज़्यादा ये भी ना बोझ भी ना बन पाऊँ। मैं पढ़ाई के साथ साथ बिज़नेस भी स्टार्ट करती हूँ, मुझे कोई मतलब उतनी ज़्यादा स्ट्रगल करने की मुझे उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे माँ बाप का सपोर्ट बहुत था इसमें, क्योंकि उनके बगैर तो ये सब कुछ मुमकिन नहीं था, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बाकी मैंने खुद देखा कि मैंने सोचा कि हाँ मैं कर सकती हूँ तो कर दिया मैंने। पहली बात शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई इसमें, मुझे खुशी होती है जब कोई काम इंसान करता है, मैं जब खुद काम करती हूँ मुझे खुशी मिलती है। दूसरी बात सपोर्ट तो मुझे टीचर से लेके माँ बाप से लेके सब का रहा है, जैसे मेरा क्लासमेट यूनुस इब्न सिद्दीकी, उसकी भी नर्सरी है पुलवामा में, तो हम दोनों साथ में काम करते हैं। मेरा मतलब यही है गौहर जबीन नर्सरी यूनिट, तो हम दोनों साथ में काम करते हैं, वो पुलवामा साइड हैंडल करते हैं, मैं यहाँ का साइड हैंडल करती हूँ। और रही बात सपोर्ट की, हमें मतलब उधर जो हमारा इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में वहाँ पर हमें मतलब जो हमारी एचओडी है डॉक्टर एस एच बाबा या बाकी फैकल्टी है, या एनएसपी में एक टीचर है डॉक्टर गौहर सर, उनका मेरा सपोर्ट, उनका बहुत सपोर्ट रहा मेरे ऊपर। तो बहुत सारे टीचर्स जैसे हमारे डिवीजन के टीचर्स, उन्होंने भी बोला कि जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े तो हम आपको ज़रूर साथ देंगे, लेकिन मैंने अभी तक किसी से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, कोई हेल्प नहीं ली, क्योंकि मैंने सोचा मैं खुद कर सकती हूँ। तो बाकी उन्होंने मुझे हमेशा बताया कि आपको जहाँ पर भी ज़रूरत लगेगी आई विल सपोर्ट यू, वी विल सपोर्ट यू। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इंसान एजुकेटेड ही हो, ये यहाँ पे कश्मीर में तो हमें सबका एग्रीकल्चर ही बैकग्राउंड है, यहाँ पे 70% मतलब डिपेंडेंट रहते हैं सारे एग्रीकल्चर पे ही, जबकि हमें सबको पता ही है कश्मीर एक मतलब एग्रेरियन सेक्टर है, तो यहाँ पे जो नॉर्मली लोग भी हैं उनको भी अच्छे से ज़मींदारी वगैरह आती है, तो मुझे नहीं लगता इसमें एक वेल एजुकेटेड होना चाहिए। हाँ, अब इससे ये हो जाता है जो एजुकेटेड होता है उसको ज़्यादा ट्रेनिंग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाकी मतलब जो नॉन एजुकेटेड होते हैं जिनको ज़्यादा पता नहीं होता उनको ट्रेनिंग्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कर सकते वो भी। और लड़कियां तो उनको कोई मसला नहीं इन कामों में मतलब ये करने के लिए, क्योंकि लड़कियों को तो हर कोई काम वैसे भी आता है। जो स्टॉक है क्या है, इजीली मिलता है आपको यहाँ कश्मीर? ईज़िली तो नहीं मिलता है, ये इतना ईजिली भी नहीं मिलता है, इनको इसमें बहुत प्रोसेस लगते हैं, जैसे ग्राफ्टिंग करना, बाकी चीज़ सीलिंग ग्रो करना, तो इसमें प्रोसेस लगता है, इसमें लंबा खासा प्रोसेस लगता है। ईजी जॉब भी नहीं कह सकते, लेकिन जिस चीज़ में हम मेहनत करेंगे तो वो मतलब कोई मसला भी नहीं होता, बड़ा मसला नहीं होता है किसी चीज़ को। एजुकेटेड यूथ फ्रस्ट्रेट होके या कोई और काम में लग चुके हैं, क्या उनके लिए ऐसा काम करना, मैं हर किसी को यही सजेशन देती हूँ, जो भी एजुकेटेड है या जो भी एजुकेटेड नहीं है, वो घर में बैठ के अपना टाइम वेस्ट ना करे, वो अपना दिल या अपना माइंड कहीं और बिजनेस में लगा दे। ये ज़रूरी नहीं अब वो एग्रीकल्चर के ही रिलेटेड ये करे या यही नर्सरी वगैरह स्टार्ट करे, नहीं, उनके माइंड में अगर कुछ और भी है तो वो कोई भी मतलब ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि वो डिपेंडेंट ना रहे किसी पर और गलत कामों में भी इंडल्ज ना है, मतलब इंडल्ज ना हो।